नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने ओडीआई की कप्तानी से हटाए जाने को लेकर कई बड़े सवालों के जवाब दिए। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी है ये बताते हैं आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के टेस्ट कप्तान विराट कोहली तमाम अटकलों और विवादों के बीच पहली बार मीडिया से रूबरू हुए और कई सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने बुधवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्हें वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने के बीच बीसीसीआई के फैसले से कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी की बैठक से 1.5 घंटे पहले मुझसे संपर्क किया गया था। यह चीफ सिलेक्टर ने टेस्ट टीम की चर्चा की और फिर मीटिंग खत्म करने से पहले मुझे बताया गया कि मैं वनडे कप्तान नहीं रहूंगा। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी। विराट ने साथी खिलाड़ी और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ जारी कथित तौर पर अनबन को लेकर कहा कि मेरे और रोहित के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं 2 साल से यही सब बोलकर थक चुका हूँ। मैं जो भी चाहूंगा या करूंगा वो टीम के नीचे करने के लिए नहीं होगा। मेरे और रोहित के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। विराट ने यहाँ रोहित के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर होने को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें टेस्ट सीरीज में बहुत मिस करेगी। वनडे सीरीज में खेलने को लेकर जारी कन्फ्यूजन को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे। कोहली ने कहा कि वह शुरू से ही वनडे सीरीज में चयन के लिए उपलब्ध थे और उन्हें न खेलने की खबर सारी गलत है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।